बढ़िया ज़बरदस्त फुल एंटरटेनमेंट मसाला सब कुछ है। कहानी के बारे में बताइए। कहानी मतलब उस मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और अभी पब्लिक का जैसा रिस्पॉन्स है सब कुछ ठीक है, मतलब बहुत फुल एंटरटेनमेंट। आयुष्मान खुराना ने कितना जस्टिस किया? उनका तो पहले से ही है जस्टिक, मतलब इस फिल्म में तो और ज़्यादा, मतलब फुल एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा लगा। आयुष्मान आना चाहिए, वो बहुत अच्छा लगा, ऐसा ही फिल्म होना चाहिए। बाकी सभी का करेक्टर सही है, डायरेक्शन राइटिंग सब कुछ सही है। डायलॉग तो ठीक ठाक है, बाकी ठीक ठाक। और देखना चाहिए, बिल्कुल ऐसा फिल्म होना चाहिए और ऐसा फिल्म भी देखना चाहिए। 4.5। ड्रीम गर्ल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म। आप इस फिल्म को देखोगे आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे। हम भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कितने तन्हा हैं, कितने अकेले हैं, इस मुद्दे को उठाया गया है और एहसास कराया गया है कि एक ट्रू कंपेनियन होना कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड के रूप में, बॉयफ्रेंड के रूप में, माता पिता भाई बहन किसी भी रूप में आप कंपेनियन आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, हम अपनी परेशानी बताना चाहते हैं, हम अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन कोई होता नहीं हमारे पास। इंस्टाग्राम पे देखिए या फेसबुक पे देख लीजिए, इतने सारे फ्रेंड्स हैं, लंबी लंबी यू नो लाइनें लगी है, लेकिन एक सच्चा साथी होता है ना, एक होना चाहिए हमारा, वो नहीं होता। तो इस फिल्म में पूजा को जो कैरेक्टर है वो सबको ये यू नो एहसास कराती है, सबकी तन्हाई को दूर करती है। लड़कियों की आवाज़ निकालते हुए आयुष्मान खुराना सबकी तन्हाई को दूर करते हैं, तो अच्छा है, एंटरटेनिंग है। पंच लाइन्स भी बहुत अच्छे हैं और फिल्म के जो सह कलाकार हैं जैसे कि अन्नू कपूर, उसके अलावा नीते बिस्ट और विजय राज, इनके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगेंगे आपको। कोई किसी का 3 बार ब्रेकअप हो चुका है, कोई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान है, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी की शादी टूट गई है, मतलब ऐसे ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं वो परेशान है और अपनी परेशानी दूर करने के लिए यू नो कोई ब्रह्मचारी भी है तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए पूजा को कॉल करते हैं और पूजा जिस तरह से जो उनकी तन्हाई को दूर करती है, जो सबके बीच उनका जो कन्वर्सेशन होता है बहुत ही इंटरटेनिंग है। और अपने आप में ये जो फिल्म है एक नया कॉन्सेप्ट है और इंटरटेनिंग वे में दिखाया गया है, तो आई कैन से इट्स अ वॉचेबल मूवी। आयुष्मान की बात करते तो कितना जस्टिस किया उन्होंने? बहुत जस्टिस किया है, मतलब वो कोई भी फिल्म आती है उस फिल्म में वो अपना जो ऑरा है निखारते हैं, वो अपनी एक्टिंग स्किल निखारते हैं। और इस फिल्म में भी जो कॉमेडी के साथ लास्ट हमने उनको आर्टिकल 15 में देखा था वो क्या थे और यहाँ पे क्या हो गए, तो किसी फिल्म में भी आप उनको जज नहीं कर सकते। मतलब अब उनको ना कहते हैं ना कि टाइपकास्ट कर दिया जाता है, आयुष्मान खुराना को आप टाइपकास्ट नहीं कर सकते, किसी भी जॉनरा में वो अच्छे लगते हैं, ख़ासतौर पर कॉमेडी में तो उम्दा है। जब भी वो आते हैं उनका जो कॉमिक टाइमिंग है, डायलॉग डिलीवरी है, बहुत ही रियल, ऑथेंटिक, मज़ेदार है। ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहते हैं आप इस फिल्म को देख सकते हैं, और अगर आप ज़िंदगी में तन्हा हैं, अकेले हैं ख़ास तौर पर स्पेशली, तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। और उसके अलावा फिल्म के अंदर कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिलीजियस एंगल डाल दिए जाते हैं फिल्म के अंदर कॉमेडी के हिसाब से या फिर अलग अलग चीज़ों के हिसाब से, तो इस फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंटरटेनिंग नहीं है, ये भी इंटरटेनिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं खतरता है। वही मैं कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को 3.5 मैं दे सकता था, लेकिन जो रिलीजियस एंगल डाला गया है कॉमेडी के वे में तो वो मुझे खड़कता है, इसलिए मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार देना चाहूँगा। बहुत अच्छी थी, एंटरटेनिंग थी, बहुत कॉमेडी फिल्म थी। आयुष्मान की एक्टिंग की बात करें तो कितना जस्टिस किया उन्होंने? बहुत जस्टिस किया उन्होंने अपने काम में, जो वो जो अपना नॉर्मल कैरेक्टर कर रहे थे वो भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे थे, और जो वो लेडीज प्ले कर रहे थे वो भी बहुत बढ़िया तरीके से प्ले कर रहे थे। उनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा था फिल्म में और उनकी जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी फिल्म में। सॉन्ग्स फिल्म में उतने कोई खास नहीं है, डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एंटरटेनिंग थी पूरी फिल्म में, स्टार्ट टू एंड तक मज़ा आता है। ऑब्वियसली ये फैमिली फिल्म है, ये फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है। क्या लगता है कितना कलेक्शन कर पाएगी? उसका कोई आइडिया नहीं, बोल नहीं सकते, मे बी 100 करोड़। ये फिल्म ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी फिल्म है, आप फिल्म देख के निराश नहीं होंगे। 4 स्टार। मूवी बहुत ही अच्छी है, आयुष्मान खुराना एक डिफरेंट रोल में नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली मतलब देखने लायक मूवी है। पूजा के कैरेक्टर में
रोज़ की जो तकलीफ होती है लोगों की उसे पोर्ट्रे किया गया है, तो बहुत अच्छी मूवी है जी। आयुष्मान और नुसरत एक साथ सामने आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? दोनों एक स्क्रीन पे अच्छे लग रहे हैं, एज अ लव हैंडल ये कर रहे हैं उन लोग तो। लेकिन एक चीज़ कमी लगी जो है अपना नुसरत की जो एक्टिंग है वो पिकअप करने की कोशिश कर रही, लेकिन नहीं हो रहा था उनसे। ओवरऑल आयुष्मान की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, डायलॉग बहुत ही अच्छे, सटल कॉमेडी है। बीच बीच में ऐसे मूवी में पंचेज है जो आपको बहुत ही हंसाएंगे, तो कैची मूवी है, लास्ट तक होल्ड करके रखेंगे। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? जाके देखिए मूवी, एक मैसेज के साथ है मूवी, सबको देखना चाहिए, फैमिली एंटरटेनर मूवी है, सब फैमिली के साथ जाके देखिए। मैं 4.5 दूंगा। मूवी बहुत अच्छी है और आयुष्मान की एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है उसमें, और स्पेशली जब वो लेडी वाला जो करेक्टर वो प्ले करते हैं उसमें तो बहुत मज़ा आया। काफ़ी बहुत कॉमेडी मूवी है और काफ़ी अच्छी अच्छा कंटेंट भी है। नुसरत एक साथ नजर आया, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा लगा देखकर, और आजकल ज़्यादातर कंटेंट पे काम हो रहा है तो उसमें और भी मज़ा आता है देखने में। आपको क्या लगता है ऐसी मूवी आगे मतलब ज़्यादा कलेक्शन कर पाएगी? हाँ, अब एक्चुअली क्या है कि ऑडियंस का देखने का नज़रिया बदल रहा है, अब ज़्यादातर कंटेंट पे ही फोकस होता है तो ऐसी मूवीज़ चलेंगी। आयुष्मान ने कितना जस्टिस किया? पूरा जस्टिस किया, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, जितनी उन्होंने मूवीज़ करी हैं सब में उन्होंने जस्टिस ही किया है जी। सॉन्ग्स कैसे लगे आपको? सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मूवी के हिसाब से, एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से जो उसमें डाले गए हैं सॉन्ग्स, वो काफ़ी अच्छे हैं। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस में ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस मूवी को देखिए, और स्पेशली सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, खुद भी एक बार जाके देखिए। पिछली जितनी आयुष्मान ने मूवीज़ करी हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये वाली मूवी बहुत अच्छी है, और आगे भी वो अच्छा ही करेगा। आउट ऑफ 5 मैं 4 स्टार्स दूंगा। मूवी बहुत अच्छी है, उसमें आयुष्मान ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है जिससे आप बहुत ज़्यादा इंटरटेन हो सकते हो। हाँ, उनके अंदर की केमिस्ट्री जो भी थी, वो लोग अच्छे से वहाँ पे ट्रीटमेंट जो उनकी थी बहुत ही अच्छी थी, और मूवी में जो उन्होंने एक्टिंग की है वो सुपर्ब, उन्होंने जो लड़की की आवाज़ निकाली है, अब बाकी कुछ तो डबिंग होगी बट उनकी जो आवाज़ थी मुझे तो 80% रियल ही लगी। बेस्ट पार्ट क्या लगा? बेस्ट पार्ट वो जो फनी पार्ट था, जो वो कॉल से बात करते हैं उन लोगों से, जो उनकी सेड्यूसिंग वॉइस है, कमाल। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि आप आओ देखो, अपने बच्चों को दिखाओ, वैसे उतनी फैमिली मूवी तो नहीं है बट जो भी है सही है। फोर। कैसी लगी सर आपको मूवी? सर ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और जो उन्होंने लड़की का करेक्टर किया है जी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब उन्होंने कुछ समथिंग न्यू डिफरेंट, मतलब नई कुछ करने की कोशिश की है उन्होंने, जो क्या है कि मतलब पब्लिक को पसंद भी आ रहा है और गाने वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से 5 में आउट ऑफ 5। बहुत बढ़िया मूवी है एंड आयुष्मान खुराना ने दोबारा साबित किया कि उनके जैसा एक्टर, उनकी चॉइस बहुत ज़बरदस्त है। फैमिली फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, आप बार बार देखेंगे, इतनी हंसी आएगी आपको कि आपका पेट में दर्द हो जाएगा, और मतलब डायरेक्टर फुल मार्क्स हैं, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स ऑसम हैं, और पूरी फिल्म बहुत अच्छी है, पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं, और सुपर हिट है। मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ और मुझे बहुत इंतज़ार था इस फिल्म का, और आयुष्मान खुराना की कोई फिल्म मिस नहीं करता, और बहुत बढ़िया फिल्म है, आप सब जाके देखिए। मेरा ऑडियंस एज एन फिल्म मेकर, एज एन क्रिटिक्स मेरा रिव्यू है 4.5 and 4 स्टार। मूवी बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और फुल इन्जॉय मूवी है, फैमिली इंटरटेनर है। आयुष्मान सर का काम तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं तो उनका फ़ैन हूँ। हाँ किया है ना, बहुत बार किया है। करती है हल्की फुल्की, डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छी है, फर्स्ट टाइम डायरेक्शन है, और सॉन्ग दिल का टेलीफोन, तो दिल का टेलीफोन। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी, आप भी देखो फैमिली के साथ देखो, फुल पैसा वसूल मूवी है। कितने रिव्यू देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? 4। मूवी इज़ वेरी अमेजिंग, आप हंसते हुए अंदर जाएंगे और हंसते हुए बाहर आएंगे, इतनी एंटरटेनमेंट पैकेज है, फुल ऑन कॉमेडी का तड़का है, बहुत अच्छी मूवी। आयुष्मान और नुसरत की बात करें तो दोनों में से कौन ज़्यादा इम्प्रेसिव?
मुझे तो पूछा ओके और सॉन्ग्स का डायरेक्शन कैसे लगे? सॉन्ग्स का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है। डायरेक्शन के जरिए राज शांडिल्य जी पहली बार वो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं और देख के एक्चुअली लगता नहीं कि वो फर्स्ट टाइम मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं बिकॉज इतनी अच्छे से इतनी बेहतरीन ढंग से उन्होंने डायरेक्ट किया। हालाँकि लास्ट में थोड़ी सी मूवी खिंच गई है लेकिन बहुत ही अमेजिंग मूवी, आप जाएँगे आपको बहुत पसंद आएगी। तो ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? ऑडियंस को मैं यही कहूँगी कि आप जाइए, मूवी इतनी अच्छी मूवी है, वन टाइम वॉच मूवी हालांकि लेकिन बहुत अमेजिंग है। अगर आप ऐसी मूवी देखोगे, अगर आप रेगुलर शेड्यूल से बहुत बिजी बोर हो चुके हैं तो आप जाके एक ऐसे एंटरटेनमेंट मूवी देखिए जो आपके माइंड को कम्प्लीटली रिफ्रेश कर देगी। आउट ऑफ 5 4 स्टार मूवी बहुत अच्छी थी और आयुष्मान खुराना हम सबको पता है एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, साथ साथ चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट इस वक्त इस साल या पिछले दो साल की स्क्रिप्ट देखे आयुष्मान खुराना की तो बहुत प्यारी और ये मूवी भी बहुत अच्छी थी और स्क्रिप्ट बहुत प्यारी थी और खासकर कॉमेडी पंचेस बहुत अच्छे थे इसके अंदर। तो सॉन्ग्स की बात करें तो कौन सा सॉन्ग ज़्यादा अच्छा लगा? सॉन्ग्स तो सारे अच्छे थे बट अभी इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट मेन चीज़ क्या है, मैं आयुष्मान खुराना की कॉमेडी देखने के लिए गया था और एक्टिंग देखने के लिए गया था, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मेन चीज़ वही गया था उसके लिए मुझे बहुत प्यारा लगा। वो नुसरत हाँ उसने भी अच्छा काम किया है बट ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं है, बस मेन चीज़ लोग क्या आयुष्मान खुराना को देखने के लिए गए थे और जैसे कि उन्होंने दो कैरेक्टर निभाए हैं, एक लड़की का भी निभाया साथ साथ एक अपना मेन जो कैरेक्टर वो भी निभाया, तो मेन चीज़ ज़्यादा फोकस उस पर था। जो आयुष्मान ने किया है मूवी में गैंग खेला है तो कभी आपने खेला है? नहीं नहीं ऐसा खेला तो नहीं है बट हाँ दोस्तों के साथ लड़कियों में आवाज़ बात कर करके रिचार्ज वगैरह करवाया है, तो बस वही मस्ती मजाक जो स्कूल टाइम में चलता था वही किया है। देखिए प्रोफेशनल वाइज में जाऊँ तो मुझे क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ मेन चीज़ मैं कहता था आयुष्मान खुराना की एक्टिंग के लिए और डायरेक्शन के लिए, तो वो चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी। अब मुझे ये नहीं पता म्यूज़िक कैसा था डायरेक्शन कैसा था बट ये है कि कनेक्ट कर पाया मैं अपने आप से, मुझे बहुत मज़ा आया, फुल ऑन एंटरटेनमेंट हुए। देखिए कलेक्शन का आइडिया नहीं है बट ये आयुष्मान की नॉर्मल मूवीज़ 150 और 100 करोड़ या 150 तक पहुँच जाती है तो ये भी मेरे हिसाब से पहुँच जाएगी। ऑडियंस को यही चाहूँगा भाई अगर आप मस्ती करना चाहते हैं, मस्ती वाले बंदे हैं, एंटरटेनमेंट वाले बंदे हैं तो ये मूवी को ज़रूर देखने के लिए जाना और खासकर अपने दोस्तों के लिए के साथ देखने ज़रूर जाना, आपको फुल ऑन मज़ा आने वाला है। आउट ऑफ 5 में 5 देना चाहूँगा।